हम आज के वीडियो में दाल मखनी बनाएंगे बिना तेल के और बिना किसी दूध के प्रोडक्ट के। ये पूरी तरह से वीगन है, तेल का इस्तेमाल नहीं है, दूध मलाई मक्खन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही बर्तन में बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 लहसुन के दाने और 1 हरी मिर्च से इन सबको मिक्सी में डाल के पीस के अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लें। पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं, पर मैं सलाह दूंगी अगर आपको कोई भी डाइजेशन पाचन की तकलीफ है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो खाने में टमाटर ना डालें। टमाटर एक फ्रूट है और सब्जियों और दालों के साथ उसका मेल अच्छा नहीं रहता। ये पेस्ट बना के साइड में रख लें। अब हम एक और पेस्ट या क्रीम बनाएंगे तरबूज के बीज के साथ। आप इसकी जगह काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप तरबूज के बीज भिगो के रखे थे 4 से 6 घंटे। अब ये लेकर आप और 1/2 कप पानी में इनको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस के एक पेस्ट बना लें और इसको भी रख दीजिए। हम इसका इस्तेमाल एंड में करेंगे। आज की दाल बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। 1 कप उड़द या काली दाल और 1 बड़ा चम्मच राजमा जो मैंने 8 से 10 घंटे भिगो के रखा था। धनिया गार्निशिंग के लिए, लंबी कटी हरी मिर्च, लंबी कटी अदरक, नमक स्वादानुसार, 1 मोटी काली इलायची, 2 लौंग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 दालचीनी। और इसके साथ में जो 2 पेस्ट हमने अभी बनाए हैं खरबूज के बीज की और प्याज टमाटर के साथ। अब प्रेशर कुकर में जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको डाल लें और इसको थोड़ी देर पकने दें कि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। जब पानी सूखने लगे तो उस समय हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और लाल मिर्च पाउडर। जब भी हम बिना तेल का खाना बनाएं, गर्म पानी साथ में जरूर तैयार रखिए ताकि जब भी वो सूखने लगे या नीचे से चिपकने लगे तो हम उसमें गर्म पानी डाल दें। अब हम इसमें भीगी हुई दाल मिला लेंगे और इसको पानी से भर देंगे। कम से कम इतना पानी डालिए कि दाल के ऊपर 1 इंच तक पानी आ जाए। अब कुकर बंद करके इसको 5 से 6 सीटी लगने दीजिए। जब 5 से 6 सीटी लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए और प्रेशर को अपने आप से निकलने दीजिए। उसके बाद कुकर खोल के चेक करिए। अगर दाल पक चुकी है तो इसमें हरी मिर्च और लंबी कटी अदरक डाल दीजिए। इस समय मैं इसमें से दालचीनी और मोटी इलायची भी निकाल देती हूँ ताकि खाते समय किसी के मुंह में ना आए। आप यहाँ पर दाल को थोड़ा सा दबा भी सकते हैं ताकि थोड़ा गाढ़ा बने। अब जब दाल रेडी हो गई है तो गैस बंद कर दीजिए। इसको थोड़ी देर थोड़ा ठंडा होने दीजिए क्योंकि जो हमने तरबूज के बीज की पेस्ट बनाई थी मैं उसको बिल्कुल गर्म दाल में डालना नहीं चाहती। हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए उसको पकाना नहीं चाहते। तो दाल जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसमें ये पेस्ट डालिए और नमक डालिए। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। थोड़ी सी और पेस्ट और ताजे हरे धनिए के साथ गार्निश करिए।